तो अब हम लोग बात करते हैं इटरेशन की। इटरेशन का देखो सिंपल सा फंडा होता है कि भाई गोइंग थ्रू एलिमेंट्स बाई वन बाई वन। ठीक है, मतलब अगर आपके पास मान लो एक एरे है 1 2 3 4, 1 2 4, तो इसमें आप क्या करोगे कि आप एक एक एलिमेंट पे गो थ्रू करोगे कि हाँ एक एक एलिमेंट है क्या, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करें। ठीक है, तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक एक एलिमेंट तक पहुँचाने की जिम्मेदारी इटरेशन की होती है। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इटरेशन। ठीक है, अगर कोई पूछ दे कि इटरेशन क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय इटरेशन, तो कहना गोइंग थ्रू एलिमेंट्स वन बाय वन। ठीक है, अब इसके फायदे घाटे अब हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, अब देखो इटरेशन में आपने पाइथन में पढ़ा होगा, जो ट्रेडिशनल पाइथन है इटरेशन है वो फॉर लूप लगा के है। ठीक है, जैसे कि एक एरे है हमने ये लिया, और उसमें अगर हमने फॉर एक्स इन एरे लगाया और प्रिंट एक्स किया, तो ये 1 2 3 प्रिंट कर देगा। ठीक है, यानी कि 1 2 3 ये इसके एलिमेंट, और इसके एलिमेंट क्या थे, ये आप फॉर लूप वाला आप देख लीजिएगा वीडियो, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा कि 1 2 3 ये दे देगा। ठीक है, अब लेकिन देखो इसमें दिक्कत क्या होती है ना, कि जो फॉर लूप होता है, एक फॉर लूप जो है वो एक स्क्वायर ब्रैकेट हटाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो जब हमने उसको 2D दे दिया देता है, यहाँ तो 1D था, 1D का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से लिस्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे 2D देता है, और हम आपसे कह रहे हैं कि फॉर जो है वो एक स्क्वायर ब्रैकेट हटा देता है, तो यहाँ पे ये एक स्क्वायर ब्रैकेट हटा दिया, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हटा दिया। तो अब क्या हुआ, इसके पास दो एलिमेंट है, 1 2 3 और 4 5 6। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो कॉमा यहाँ पे दिया हुआ था, तो कॉमा लिखा गया, ठीक है, ये जो कॉमा है इसके पहले का एलिमेंट एक हो गया और इसके बाद के एलिमेंट दूसरे हो गए। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखो एक कॉमा ये था, एक कॉमा ये, तो तीन एलिमेंट थे इसके पास, तो उसने तीन एलिमेंट को प्रिंट कर दिया। यहाँ कॉमा के पहले कितना, एक एलिमेंट है, यहाँ पे भी एक एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट है, तो दो ही एलिमेंट प्रिंट करेगा, तो 1 2 3 प्रिंट कर देगा और 4 5 6 प्रिंट कर देगा। अब कहोगे सब ये हटना चाहिए ना, ये तो हटना ही चाहिए, हमको तो एलिमेंट चाहिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये एक फॉर लूप इसको नहीं हटा पाएगा, क्योंकि आप, मैं क्या बोल रहा हूँ कि फॉर लूप एक स्क्वायर ब्रैकेट हटाता है, ये मान के, मतलब ये डिस्क्राइब नहीं है, बस तुमको एज अ आउटपुट तुमको चेक करना है कि आउटपुट क्या आएगा, तो इस तरीके से अपने आप को समझाओ। ठीक है, जैसे कि मान लो कभी कभी क्या होता है ना, कि जाओगे कहीं पे तो तुमको यही मान लो कोड दे दिए, फिर बोले कि नहीं इसका आउटपुट तुम बताओ क्या होगा, तो वहां पे ये थोड़ी करके थोड़ी दिखाओगे, देखोगे कि क्या आ रहा है, तो आप क्या करोगे कि स्क्वायर ब्रैकेट हटाओगे और सीधे सीधे जो बच गया वो लिख दोगे बिना दिमाग लगाए। ठीक है, तो वहां पे चीजें ये यूज होती हैं। फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इससे घाटा क्या, और ये घाटा ही है एक तरीके से, कि भाई अगर मैं एक फॉर लूप लगा के अगर मैं सिर्फ ये पा रहा हूँ, तो मैं अंदर के एलिमेंट पे थोड़ी इटरेट कर पाया, मैं तो एक एक लिस्ट उसके लिस्ट पे इटरेट किया। ठीक है, तो एक बार करके देखते हैं कि यहाँ तक पहले एक एक स्लाइड देखते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। हमने नम पाई को इंपोर्ट किया। ठीक, अब इसके बाद हमने क्या किया, हम ऊपर गए और देखे कि कहीं एक एरे मिल जाए मुझे। हाँ, ये मिल गया मुझे एक एरे। ठीक है, आप लोग लिखिएगा, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग लिखते रहिएगा, उससे आपको प्रैक्टिस होगी। ठीक है, ठीक है, अब प्रिंट एरे 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब मैं लगा दूंगा इस पे फॉर लूप, फॉर एक्स इन एर प्रिंट एक्स। इसको भी फॉर लूप नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे लगा रहा हूँ, वो जाके फॉर लूप का वीडियो देख ले। ठीक है, अब देखो, अरे एक्स, तो 1 2 3 4 5 6 इसने इसके एलिमेंट्स को पे इटरेट करके उसने आपके सामने रख दिया कि ये एलिमेंट है। ठीक है, अब मैं अगर 2D डायमेंशन का खोजूं, 2D डायमेंशन कहाँ, ये रहा, देखो 2D डायमेंशन मुझे मिल गया। ठीक, तो अब इसको एरे वन कर देता हूं मैं, मुझे 2D डायमेंशन मिल गया, इसको जो एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं कि क्या सीन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ कि चलो ठीक है, मैं इस पे इटरेशन करता हूँ सर, फॉर एक्स इन एस वन, प्रिंट कर देता हूं एक्स, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसने क्या किया, देखो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट थी ना,
ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये इसको हटा दिया इन दोनों को, बाकी एज इट इज प्रिंट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक फॉर लूप क्या करता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट खत्म करता है। ठीक है, अब कहोगे सर आपकी बात मेरे को समझ में आ गई, बस ये बताओ कि अगर मान लो कि एक फॉर लूप से अगर चीजें एक स्क्वायर ब्रैकेट खत्म हो रहा है, तो दो अगर मैं फॉर लूप लगा दूं तो दो स्क्वायर ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको एक चीज ध्यान देनी होती है कि फॉर एक्स इन ए आर, एड मतलब एड वेरिएबल है, फॉर वाई इन एक्स मतलब कि एक्स के अंदर अब आपके पास लिस्ट है 1 2 3, तो अब आपको इसके अंदर जाना है, तो फॉर वाई जो होगा वो इसके अंदर ही ना चेक करेगा। बात समझ में आ रही? ये चीज ध्यान देनी होगी कि यहां पे जो रहेगा वही इसके इस पोजिशन पे आएगा। मतलब कि अगर आप खुद सोचो, फॉर एक्स इन एड अगर हम खाली लिखते हैं तो मेरे पास क्या आया था, 1 2 3 और 4 5 6। अब फॉर एक्स इन में ये मिला अगर, तो अब मुझे वाई जो होगा वो इसी एक्स में ना चेक करना होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना? अब मैं ये थोड़ी कहूंगा कि वाई इन एड भी जाओ, तो वाई में भी तो वही वैल्यू आ जाएगी, फिर क्या फायदा होगा फिर इस चीज को दो फॉर लगाने का। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि एक बार एक्स में वैल्यू आ गई जो कि होगी 1 2 3, तो फिर इसके अंदर जाने के लिए हमको इसी में फॉर लूप लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि अब ये इसके लिए क्या है, ये एक्स में क्या आया, 1D एरे आ चुका है, तो फॉर लूप लगा के हम उस पर चेक कर लेंगे। ठीक है, अब प्रिंट वाई करना होगा, एक्स नहीं कर सकते हैं आप प्रिंट को, मतलब प्रिंट वाई एक्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, करने को तो कह देंगे, गलत थोड़ी है, लेकिन जो आपको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो नहीं मिलेगा। ठीक है, रुको तो एक बार करके देखते हैं क्या हम करना चाह रहे हैं। अब देखो हमारे पास ये एरे था, अब हम इसी में एरे 1 हमारे पास था, अब इसी के अंदर हम चाहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ करते हैं फॉर वाई इन एक्स। ठीक है, अब अगर मैं सीधे सीधे यहाँ पे अगर मैं प्रिंट एक्स ही कर दूँ, प्रिंट एक्स ही कर दूँ, मैं प्रिंट वाई ना करके प्रिंट एक्स कर दूँ, तो देखो क्या आएगा। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, 5 6 7 7, क्योंकि हमको तो ये चाहिए, हमको तो ये नहीं चाहिए ना, हमको क्या चाहिए, क्योंकि ये एक ही वैल्यू को 4 बार प्रिंट किया, फिर इसी वैल्यू को 4 बार प्रिंट कर दिया। क्यों? क्योंकि 4 एलिमेंट थे इसके अंदर। वाई ने क्या पकड़ा, वाई ने पकड़ा कि इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, अब लेकिन आप जब एक्स ही को प्रिंट कराएंगे तो 4 बार एक्स ही प्रिंट कर देगा। ठीक है, फॉर लूप जिनको पढ़ा होगा उनको समझ में आ रहा होगा, बाकी इसलिए मैं इसमें ज्यादा डीप इसलिए जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा विश्वास है कि यहां तक आप पहुंचे हैं तो आपको फॉर लूप आ रहा होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे वाई लगा देता हूँ, ठीक है, तो अब देखो क्या सीन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आपको आपका डिजायर्ड आउटपुट मिल गया। ठीक है, अब यही अगर मैं कहता हूँ कि चलो सर एज 1 कर देता हूँ और फिर वाई को प्रिंट करता हूँ, क्या फायदा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसने किया क्या, वाई ने इसके अंदर जब देखा तो इसको 2 एलिमेंट मिले, इसने 2 एलिमेंट को प्रिंट कर दिया 2 बार, मतलब 2 बार प्रिंट कर दिया ना, 2 एलिमेंट मिले, 2 इसके अंदर 1D एरे हैं, तो दोनों को एक एक बार प्रिंट कर दिया, मतलब दो 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 बार प्रिंट कर दिया। ठीक है, मतलब ये एक प्रिंट हो गया और ये दूसरा प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये सीन हुआ है यहाँ पे, बात समझ में आ रही है? तो इस पे आपको ध्यान रखना होगा। अब कहोगे सर यहाँ पे 3D एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है, ये 3D एलिमेंट है मेरे पास, मैं क्या करूँगा इसके लिए, क्या करूँ? कहूँगा ठीक है, इसके लिए भी आप अगर ट्रेडिशनली जाओगे तो एक्स इन एक्स, फिर वाई इन एक्स, फिर जेड इन वाई करके आगे लगा दो, प्रिंट कर दो, हो गया सामना पूरा खत्म। ठीक है, अब देखो कैसे, अब देखो मैंने एरे 3 डायमेंशनल एक एरे पहले ले लेते हैं ना, फिर ने बुरा भाग किया जाए। ये देखो ये मिला मुझे एरे 3 डायमेंशनल, ठीक है, अब हम प्रिंट करा के इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास 3 डायमेंशनल आ गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके एक एक एलिमेंट पे गो थ्रू करेंगे। कैसे, फॉर एक्स इन एरे 4, ठीक है, नींद आने वाला कोड, ठीक है, फॉर वाई इन
एक्स, फिर फॉर जेड, जेड इन एक्स, एक्स नहीं यार वाई, ठीक है। फिर मैं कहूँगा सर प्रिंट कर दो अब जेड, ठीक है चलो प्रिंट कर दिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब कैसा, ये तो रिपीट कर दिया, नहीं भैया रिपीट नहीं किया है, यहाँ पे मैंने खुद रिपीट किया है उसके एलिमेंट्स में, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे रिपीटेशन दिखा रहा है, बाकी यही सेम चीज जो 6 तक यहाँ गया, फिर ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ कर दिया। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो यहाँ पे हम एक और मान लो कि कुछ एक्स्ट्रा 9 कर देते हैं, ताकि पता चले कि नहीं इसमें चला गया, ठीक है। देखो यहाँ 9 आ गया, ये 9 आ गया, तो इसका मतलब है कि 6 तक यहाँ गया, फिर 9 2 3 4 5 6 आगे तक रीड कर लिया, ठीक है। अब कहोगे सर ऐसे तो अगर हमारे पास 4 डायमेंशनल होगा तो हम फिर आगे फॉर फॉर ए इन जेड करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, फिर इसी तरीके से अगर 6 7 डायमेंशनल हो गया तब तो गए हम, फॉर ही लगाते रह जाएंगे हम, ठीक है। तो उन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए क्या हुआ है कि नमपाई ने एंटी ईटर नाम का एक फंक्शन दिया है कि लो इसको यूज करो और मौज करो, ठीक है। अब कैसे मौज करेंगे भाई, ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है कि एक एरे जो हमने 3D एरे लिखा था, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे एनडी ईटर में क्या करेंगे बताओ, इसको क्या कहते हैं, पास कर देंगे, ठीक है। याद रखना कि पास करना बोलना है, ठीक है, तो एनडी ईटर में हमने उसको पास कर दिया। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर की इटरेशन कर देगा, और अगर हम एक्स को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास वही आएगा जो हमने 3 फॉर लूप लगा के प्राप्त किया था, ठीक है। देखो कैसे, अब हमारे पास इतना ही फॉर लूप लगे थे यहाँ पे, ठीक है, अब इसकी जगह पे हम क्या करेंगे कि सिर्फ एनडी ईटर लगा देंगे, और देखो फिर कैसे क्या काम होता है, ठीक। अब देखो फॉर एक्स इन, फॉर एक्स इन, अब हम अगर नॉर्मल अगर फॉर लूप लगाते तो यहाँ क्या करते हैं F4 कर देते खाली, लेकिन हम F4 नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें एनडी ईटर लगाना है, तो एनडी ईटर के लिए एनपी के अंदर है वो एनडी ईटर, तो एनपी डॉट एनडी इटर, उसके बाद हमको कौन सी किस किस एरे पे हमें इटरेशन करना है तो वो एरे भी हम पास करना होगा, कर दिए पास। इसके बाद अगर हम सिर्फ प्रिंट कर दें एक्स को, तो देखो वही सेम चीज आया है जो हमें इतना फॉर लूप लगा के मिला था, ठीक है। तो कौन सा कोड तुम लिखना चाहोगे, ये तो लिखना पसंद नहीं करोगे क्योंकि इसमें गलती होने के चांस भी हैं, यहाँ कोई गलती होने का चांस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए नमपाई ज़्यादा यूज में आ रही है आजकल, क्योंकि उसने हर चीज़ के लिए एक फंक्शन दे दिया है, ठीक है, जिसका कि आप आराम से इस्तेमाल करके अपने कोड लेंथ को और एरर को कम कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं क्या फंक्शन दिया है इसने इटरेशन में। तो भाई देखो इटरेशन में सिंपल सी बात होती है, दो चीज़ें आप कर सकते हो, और करने को तो और भी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वही हम लोग यहाँ देख रहे हैं। पहली चीज़ है कि इटरेशन करते वक्त आप उसका डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या है, बफर करना जरूरी होता है। बफर में मतलब देखो होता क्या है ना कि आपको ये क्या करता है कि ये जो एरे है इसमें तो कोई चेंज करता नहीं है, ठीक है, और यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपने इसको स्ट्रिंग में बदल दिया, ठीक है, स्ट्रिंग में बदल दिया, तो अब इसको एज ए स्ट्रिंग वैल्यू जो 1 की है उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करनी पड़ेगी ना, तो वो स्टोर कहाँ करता है, वो बफर में करता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि अगर ये हम फ्लैग लिखते हैं या नहीं लिखते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। फिलहाल आप ये समझो कि आप ये बफर किस लिए यूज होता है, तो भाई इस बफर में आप ये चेंज्ड वैल्यू स्टोर कर लेते हो, और चेंज वैल्यू स्टोर करने के बाद जब ये इसको रिलीज करता है तो ये बफर को डिलीट कर देता है, ठीक है। तो चलो एक बार इसको करके देख लेते हैं कि क्या कहना क्या चाह रहा है ये, ठीक। चलो अब हमारे पास क्या था, एक नॉर्मल एरे ले लेते हैं ना, इतना लंबा एरे कौन ले, तो छोटा वाला एरे हमारे पास कहाँ है, एरे है, ठीक है, ये एरे है हमारे पास छोटा वाला एरे, तो एक बार प्रिंट करा के देख लेंगे कहीं इसकी वैल्यू बाद में कहीं चेंज ना हो गई हो, नहीं चेंज हुई है। अब देखो अब हम इसके फॉर लूप लगाना शुरू करते हैं, फॉर, ठीक है, फॉर एक्स इन, अगर नॉर्मल फॉर लूप लगता तो हम एरे लिख के प्रिंट एक्स कर देते, लेकिन अब हम एनडीटर नाम बड़ा गजब होता है, एनडीटर, और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, किसको देना है उस एरे को पास करेंगे, जिस एरे को हमको
इटरेशन करना है। अब इसके बाद हम फ्लैग्स लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ना कि क्या होता है, क्योंकि कई चीज़ जो होती है ना वो डिफॉल्ट होती हैं, ठीक है, डिफॉल्ट होती हैं, आप उसको नहीं भी लिखोगे ना तो भी चलता ही, ठीक है। ये अब भाई इसको तो ओप टाइप तो लिखना ही पड़ेगा, क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपको तो चेंज करना है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्ट्रिंग में चेंज कर रहे हो तो आप क्या करोगे, एस लगाओगे, डेटा टाइप। इससे एक दो लेक्चर पहले मैंने बताया रखा है, ठीक है। अब इसको जरा सा प्रिंट एक्स करो, एडिटर ऑफ टाइप्स एस, ऑफ टाइप्स टैप डी टाइप्स, ठीक है। अब देखो यहां पे देखो बफर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बफर में आ गया। अब मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बस ये बफर हटा दो, मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्या दे रहा है, इटरेशन ऑपरेंड रिक्वायर्ड कॉपिंग और बफरिंग, ठीक है। ये चीज है, मैंने कहा ना कुछ चीजें डिफॉल्ट ले लेता है, कुछ चीजों को देना पड़ता है, तो यहाँ पे इटरेशन में आपको देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पहले वाले में जब स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहे थे तो वहां पे बफर ले लिया था, यहाँ पे बफर नहीं लेगा, ठीक है। आपको बफर प्रोवाइड करना पड़ेगा जहां पे कि ये चेंज करके रख सके। अब अगर आप इसको चेंज नहीं कर रहे होते, ठीक है, चेंज नहीं कर रहे होते अगर आप, ठीक है, तो देखो आराम से प्रिंट कर देता है, क्यों, क्योंकि प्रिंट करने में उसको कोई उसको उसने इटरेशन किया है ना, खाली उसने उसके अंदर की चीजों को सिर्फ देखा है, ठीक, उसको एक्सट्रैक्ट किया और आपके एक्स में ला के पुट करता चला गया और आपने उसको प्रिंट कराते चले गए, ठीक है। और एक चीज और जो मैंने आपको फॉर्म में बताई थी, अब जरा प्रिंट टेक्स करके देखो क्या आएगा, बताओ, एनी गेस, 2 सेकंड टाइम है, गेस करो, 6, क्यों, क्योंकि लास्ट में जो इसको वैल्यू मिली है वो 6 मिली है, ये मैंने आपको पहले बता रखा, मैं बस चेक कर रहा था, ठीक है। अब देखो अब इसके आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, आपको वो समझ में आ गया होगा अब तक, बाकी अगर आपको देखना है तो अभी कुछ दिन पहले मैंने डेटा टाइप्स पढ़ाया था, उसमें आप जाके चेक कर सकते हो कि क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये कंसेप्ट बफर का था कि आपको एडिटर करने के बाद आपको उसको सेव करना होगा, क्योंकि ये एक फंक्शन के अंदर की चीज़ें हैं जो कि ये खुद डिफाइन करता है, ठीक है। आपको इसको कोई मतलब ये नहीं कि मैंने डिफाइन कर दिया, ये फंक्शन ही डिफाइन किया है कि अगर इसने इसके अंदर चेंज किया है तो वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। मतलब जो भी इसकी जरूरतें हैं वो उसको आपको पूरा करना ही पड़ेगा, ये हर फंक्शन की चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इटरेशन में फिल्टरिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर रखा है लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा अजीब लगेगा कि ये क्या मतलब, 2 सेमी कॉलन, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 सेमी कॉलन, ये क्या मतलब चल रहा है, क्योंकि लिस्ट में आपने जब किया था तो आपने याद होगा आपने एक चीज़ की थी, क्या, कहाँ से कहाँ तक कितने स्टेप, ये आपने किया है। मतलब कि अगर आपको मैं 1:2:3 लिख दूं, या 2:2 क्या है, मैं मान लो 8:3 लिख दूं, ये 8 मान लो, वैल्यू यहाँ पे 8 ले लो, तो ये क्या कहेगा, 1 से शुरू होगा, 7 पे खत्म होगा और 3 का गैप देगा, ठीक है। ये चीज है, बात समझ में आ रही थी इतनी आपको, तो वही सेम चीज इसने 2 जगह पे कर दिया है, मतलब कि रोज पे और कॉलम्स पे, ये दोनों चीजों पे अप्लाई होगी चीजें, ठीक है। अब जैसे देखो ये है, ठीक, इसको जैसा हम क्लियर कर देते हैं, अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, ये जो कॉमा के पहले है ये है तुम्हारा रो, और इसके इधर क्या है तुम्हारा कॉलम, मतलब कि ये कहीं से भी शुरू होके कहीं पे भी खत्म, मतलब पूरा लास्ट तक खत्म होगा, शुरुआत से शुरू होगा, शुरू लास्ट में खत्म होगा, और स्टेप कितना होगा इसका, 2 होगा, ये किस पे होगा, कॉलम पे होगा, रो पे, क्योंकि सिर्फ सेमी कॉलन दिया है, मतलब रो पे क्या होगा, ऑल रोज होगा, ठीक है। यहाँ ऑल कॉलम्स और स्टेप वाइज क्या था, 2,
यहाँ ऑल रोज है और कोई स्टेप नहीं है। ठीक है, तो चलो इसको एक बार करके देखते हैं कि कहना क्या है, और थोड़ा मैनिपुलेशन भी करते हैं। अब देखो हमारे पास, पहले 2D पे समझते हैं। 2D हो गया ये हमारे पास डेटा एरे वन पे। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं कि एरे वन में हमारा डेटा जो हमें चाहिए वो है कि नहीं। है हमारे पास डेटा 1 2 3 4। अब हमें प्रिंट करानी है चीजें। ठीक है, तो अब हम प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, अब हमें इटरेशन तो करना ही है, तो अब हम क्या करेंगे कि इंडेक्सिंग करना शुरू करेंगे। अब इंडेक्सिंग में क्या करेंगे? तो भाई फॉर, ठीक है, एक्स इन एनपी डॉट एनपी नंपाई एज एनपी, हाँ एनपी एन डी इटर। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हमको इंडेक्सिंग चाहिए, तो हमें किस पे इंडेक्सिंग चाहिए? हमको एफ पे चाहिए, वन पे। अब हमें एफ वन पे तो इंडेक्सिंग चाहिए, तो हम लो ये किए, कॉमा दिए और फिर 2 दिए और 2 दिए। ठीक, इतना हम हो गया। अब इसके बाद हम कहेंगे कि प्रिंट करो एक्स को 1 3 5 7। अब जरा देखो 1 3 5 7 दिया क्यों? 2 स्टेप बोला इसने, तो 2 स्टेप बोला तो 1 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। जब शुरू इसने कहा कि कहीं शुरुआत से शुरू करो अंत तक जाओ, ठीक है, तो 1 से शुरू किया 3 तक। अब अंत में तो 4 है, अगर यहाँ 5 होता तो उसको भी प्रिंट करता ही है, लेकिन 5 नीचे है, सेकेंड रो में है। सेकेंड रो में भी क्या कह रहा है कि शुरुआत से शुरू करो लास्ट तक जाओ 2 स्टेप। तो यहाँ पे क्या शुरुआत से शुरू करेंगे तो 5 है, फिर 7 है। ठीक है, अब इसी में अगर आपको कुछ और करना था तो इसके आगे भी आप ऐड कर सकते थे। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे 5 की 5, तो यहाँ पे आ गया, मान लो यहाँ पे मैंने 10 और 11 दे दिया, तो वो भी प्रिंट कर देता। क्यों? क्योंकि 3 के बाद जो अगला इंडेक्स आता है वो 4 के बाद वाला आता है, बात समझ रहे हो ना? 3 के बाद जो आता है इंडेक्स वही 2 स्टेप पे आता है। अब मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है इसको हटा दो, मैं इसको भी हटा दिया, लो सब आ गया। क्यों आ गया सब? क्योंकि अब तो सब लोग, कोई स्टेप काउंटिंग नहीं है। अब मैं इसको कहूं कि यहां पे मैं लिख देता हूं चलो बीच में कि कहां तक जाना है, तो क्या आएगा? ये 1 है, ये मतलब ये 0 इंडेक्स है, ये 1, ये 2, ये 3। तो मैं कहता हूं कि चलो ठीक है भाई तुम 2 तक ही जाओ खाली। और ये 2 जो मैंने लिखा है ये सिर्फ फर्स्ट रो के लिए नहीं है, ये दूसरे रो के लिए भी है। ठीक है, ये मत सोचना कि मैंने 2 लिख दिया तो पहले रो पे ही करेगा, दूसरा रो तो जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। नहीं, ये इसको मतलब नहीं है कि पहले क्या था, आपने यहाँ पे नया कोड लिखा है उसके हिसाब से वो 2 तक जाएगा। 2 तक मतलब 3 तक जाएगा, 3 और लास्ट वाला लेता नहीं है तो वो 2 तक जाएगा। अब देखो क्या प्रिंट करता है, 1 2 5 6। क्यों? क्योंकि ये 0 लिया, 1 लिया, लेकिन 2 नहीं लेगा क्योंकि 2 लास्ट में है, लास्ट वाला स्टेप, लास्ट वाला इंडेक्स तो वो लेता नहीं है। तो उसने क्या किया, 1 2 और 5 6 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? चलो, तो ये हो गई हमारी इंडेक्सिंग। तो इस तरीके से आप इंडेक्सिंग भी कर सकते हो। हाँ, एक चीज और मैं आपको करके दिखा देता हूँ, उसमें रोज का हमने कुछ अभी तक नहीं इस्तेमाल किया है, तो रोज का भी इस्तेमाल हम कर लेते हैं। ठीक है, अब रोज में क्या था कि भाई हमको एक ही रो है, स्टेप काउंटिंग कुछ चलानी नहीं है, तो हम 0 ही रो, अगर मैं सिर्फ पहला रो लेना चाहता हूँ तो सिर्फ 0 रख दूंगा तब भी काम चलेगा। लो 1 2 आ गया। अगर मैं इसी को चाहता हूँ कि जी अब मैं 2 ही 2 ही है मेरे पास, 3 रो होता तब ना कुछ करते हैं उस पर, तो उसी हिसाब से मतलब अब इसमें सेमी कॉलन लगा के आप आगे भी कर सकते हो जैसा आपने पहले वाले में किया है। बाकी मैंने इतना बता दिया, इसके बाद आप एक रो और बढ़ा के उस पे आप 0 से 1 तक करा के देख लेना। ठीक है, नहीं तो जितने मैनिपुलेशन वही कराते रह जाएंगे तो लंबा चला जाएगा वीडियो। ठीक है, अब बात करते हैं इटरेशन, इटरेशन के लास्ट के, जिसको कहते हैं इन्यूमरेशन। अच्छा, एक चीज और, आपने फॉर लूप लगाया हो चाहे एनडी इटर लगाया हो, ठीक है, एनडी इटर या कुछ भी लगाया, आपको क्या मिला? 1 2 3 4 5 6, मान लो ये 2 × 3 था मेरे पास, उसमें आपको 1 2 3 4 5 6 मिल गया। ठीक है, अब मैं को क्या पता कौन से पोजीशन पे कौन सा है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में बताओ कौन था, ठीक है, तो फर्स्ट रो हो गया ये, तो जी फर्स्ट रो मान लो तुम इसी को मान रहे हो, ठीक है, तो फर्स्ट रो ये हो गया, सेकंड में ये सर 2 है। ठीक,
अगर मैं कहूं इसमें अगर दो तीन और जोड़ देता तो आप पहले क्या करते, पहले गिनते 1 2 3 4 करके पूरा गिनते, फिर इसमें तुम कोशिश करते कि कैसे बना होगा ये। अब अगर 8 है ठीक है तो 4 × 2 भी हो सकता था, वो 2 × 4 भी हो सकता है, ठीक है बात समझ में आ रही है ना, 4 × 2 भी हो सकता है, 2 × 4 भी हो सकता है, ठीक। अगर मैं आपको एक एट चलो 6 का ही मानो, 5 6 दे दिया और मैं आपसे कहूँ कि ये 2 × 3 भी है, आप कहोगे हाँ सर सही है, फिर मैं कहूँ ये 3 × 2 भी हो सकता है, कहोगे हाँ सही है। अब मैं कहूँ कि बताओ जरा सेकेंड रो का थर्ड कॉलम बताओ, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम बताओ, थर्ड कॉलम में तो मान लो तुम पहचान कर ही लोगे कि 2 × 3 होगा तभी थर्ड कॉलम आया होगा। मान लो मैं कहूँ कि 2 × 2 का बताओ जरा, मतलब सेकेंड रो का सेकेंड बताओ, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्यों, क्योंकि 2 × 2 4 तो यहाँ भी आ सकता है, आप कहोगे सर फोर्थ कॉलम तो ये हो गया, नहीं अगर ये 3 × 2 होगा तो अलग चला जाएगा मामला, बात समझ रहे हो। तो उस जगह पे आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है इंडेक्सिंग टाइप में कि हाँ 1 0 पे ये पोजीशन पे है, 1 पे ये है, तो 2 और 1 पे ये है, तो आपको पता चलता रहेगा। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको जरूरत पड़ता है इन्यूमरेशन की, ये कुछ नहीं करता है, इंडेक्स बताता है बस, आप सब कुछ सेम करोगे, बस आपको जब इंडेक्स जानना है तो आप ये इन्यूमरेशन एंड डीन्यूमरेशन लगा दोगे, ठीक बात समझ में आ रही है। तो इसको 1D में भी करके हम देखते हैं, 2D में भी करके देखते हैं कि इसका फायदा क्या होता है, ठीक है। तो अब इसको इन्यूमरेशन को हम करते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि आखिरकार करना क्या चाह रहा हूं मैं इतना, ठीक है। और ये बहुत यूज भी होता है, ठीक है। तो अब हम करेंगे एक एरे बना लेंगे, एरे तो मान लो मेरे पास पहले से अवेलेबल है, मान लो एरे वन तो मान लो कि 2D हो गया, इसको 2D में यूज किया जाएगा, एरे वन हमें 1 डायमेंशनल में चाहिए, कोई एक 1 डायमेंशनल में मिल जाओ यार, हाँ एरे, ठीक है। तो हम एक बार फिर से अपनी सभ्यता अनुसार 1 2 3 4 5 6 को प्रिंट करा के देख लेंगे कि हाँ हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल है कि नहीं। अब सीधे सीधे हम फॉर लगाएंगे IDX, अब देखो IDX लिखने से मतलब हमको ये थोड़ी है कि आप यहाँ पे कुछ और नहीं लिख सकते हो, हमको आईडी चाहिए तो आप आईडी ही लिख दो, हम तो सिर्फ ठीक है आईडी तो ऐसे मान लो नहीं लिख सकते हो क्योंकि वो कीवर्ड है, तो IDX लिख दो, मान लो IDD लिख दो, IDX लिख दो, ठीक है। अब देखो अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, एक्स लेंगे कि अभी मैं समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है अभी फिलहाल लिख लिया जाए, np. फिर है तुम्हारा ND एन्यूमेरेट था ना, एन्यूमेरेट, ठीक है एन्यूमेरेट। अब इसके बाद इसके अंदर हमें जो जिसका हमको एन्यूमरेशन करना है वो डाल देंगे, तो एरे डाल दिए, फिर उसके बाद हमको प्रिंट कराना है। अब प्रिंट में देखो हम दो चीज कराएंगे प्रिंट, क्योंकि पहला हम प्रिंट कराएंगे IDX, ठीक है, और दूसरा हम क्या प्रिंट कराएंगे एक्स। तो देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 पे आ गया, और कामा के बाद कुछ दिया नहीं है, क्यों नहीं दिया है, क्योंकि ये 1 डायमेंशनल है, तो दूसरे पे तो आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, बात समझ में आ रही है। तो ये चीज है, अगर यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे आधा के सेमी ले दिया है, जैसे मैं फॉर्म में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है, तब भी यही सेम चीज आने वाली है, ठीक है। अब हम 2D array पे चलते हैं, एक तो array 1 था 2D array, देखा जाए 2D array कौन सा है, array 1 है 2D array, ठीक है। तो एक बार हम लोग फिर सभ्यता अनुसार इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं, है भाई हमारे पास 2D array। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम लोग यही सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई करके देखेंगे। तो हम एक काम करते हैं ना कि इसको सेम चीज जब ही लिखना है तो इसको कॉपी कर लेते हैं। अब क्या है कि एरे की जगह हमको array 1 दे देना है, ठीक है, एर की जगह हमको क्या करना है, R1 दे देना है, बस इतना ही कम काम है। उसके बाद हम इसको प्रिंट कराएंगे तो आप खुद देखो कि 0 0 पोजीशन पे 1 है, 0 1 पे 2 है, 0 2 पे 3 है। अब देखो होता क्या है कि आपको अगर शेप आपने पता किया है, ठीक है, देखो हाँ एक चीज और अभी याद आई कि यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि कौन सा है, अगर सिर्फ फॉर लूप लगाए हो आप, ठीक है 4 5 6, तो आपको एक चीज एक्स्ट्रा करनी हो जाएगी, वो है कि आपको उसका शेप पता करना होगा। शेप पता करोगे तो 2 × 3 होगा, ठीक है, अगर तो आप फिर लगाओगे इस तरीके से कि हाँ भाई 3 यहाँ पे हैं 3 यहाँ पे हैं, ठीक है। तो आपको शेप पता होना चाहिए, अगर आपको शेप नहीं पता है तो आपको शेप पता करना होगा,
तो ये क्या होगा, एक्स्ट्रा बिट ऑफ कोड है। और दूसरी बात ये कि आपको शेप पता भी चल जाएगा 2 इंटू 3, तो आप तीन तीन करके आगे बढ़ोगे, 1 2 3, फिर एक हटाओगे, फिर कहोगे 1 2 3, ये हटाओगे, फिर कहोगे 1 2 3, तो फिर पता चलेगा कि ये वाला आपको चाहिए था, यानी कि अगर ये 3 इंटू 3 है तो आपको कौन सा एलिमेंट चाहिए था, 3 इंटू 3 कॉमा 2 का, मतलब थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, तो ये आपको चाहिए था। तो आपको अब यहाँ पे आप इसको ऊपर से आए कम करते हुए और यहाँ पे आके आप बता दिए, और यहाँ पे क्या हो रहा है एनिमेशन में, वो पहले ही आपको क्या दिया, देखो उसने पहले ही आपको यहाँ पे दे दिया है क्या, यहाँ पे आपको उसने पहले ही दे दिया कि 1 0 पे ये है, तो 1 1 पे ये है, तो 1 2 पे ये है। तो आपको अगर 3 2 पे पता करना होगा तो आप सीधे देख के पता कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज फायदे होते हैं, ठीक। तो अब अगली बार से हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइंस करेंगे, ठीक है।